हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त झकास हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ आज मार्केट, संडे मार्केट पे। तो मैंने कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। आज मैं सोच रही थी कि खुद भी एक्सप्लोर करूँगी और आपको भी एक्सप्लोर कराऊंगी कि वहाँ कैसी कैसी चीज़ें मिलती है। लास्ट टाइम मैं गई थी बट मैं ढंग से घूम नहीं पाई थी, तो इस बार मैं जा रही हूँ प्रॉपर घूमने के लिए। काफ़ी लेट हो चुका है, वैसे सुबह सुबह ही जाना चाहिए बट सुबह बहुत काम करना पड़ रहा था मुझे, तो टाइम नहीं था, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ 11 बजे। तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। तो गाइस, सुबह की शुरुआत मैंने कर ली है आइसक्रीम के साथ और अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी ढूंढ। गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ लोकेशन पे और मैं दिखा देती हूँ कि यहीं से कितना भीड़ है। ये देखो कितनी भीड़ है, वहां पे जाना है हमें। तो गाइज़, मैं एंट्रेंस में पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ से इस मार्केट की एंट्री होती है और एंट्री में ही आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। और यहाँ पे इतना भीड़ था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना मेले में घूम रही हूँ। मतलब हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, खाने से लेके लगाने से लेके सोने तक का सामान मिल जाएगा सब कुछ, और वो भी बहुत चीप रेट में। मतलब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था। तो आप देख सकते हो मेरा शक्ल में कितना खुशी आ रहा है यहाँ आके। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं जन्नत में आ गई हूँ, इतना मज़ा आ रहा था घूमने में। लेने से ज़्यादा मुझे ना घूमने में और इंसानों को देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप कपड़े की वैरायटी देख सकते हो, आपको हर चीज़ मिलेगा, ठंड से लेकर गर्मी तक का सामान। और यहाँ पर ये जॉगर्स और ये कोट कितने अच्छे अच्छे हैं, ये आप फॉर्मल कोट्स भी ले सकते हो, इतने मस्त मस्त, वो भी इतने रिजनेबल प्राइस में। यहाँ पे क्रॉक्स भी थे, काफ़ी मतलब वैरायटी थे क्रॉक्स के, आप देख सकते हो। इवन आपको यहाँ पे ना गाइस टूथब्रश भी मिल रहा था और हर चीज़, मतलब एक एक छोटा से छोटा सामान आपको हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे, फुटबॉल, नाइट ड्रेसेस, हर चीज़। तो गाइज़ आप देख सकते हो इतना क्यूट नाइट ड्रेस है यहाँ पे, इतने सारे। और यहाँ पे ना 100-100 के स्टॉल भी लगे हुए थे। तो आगे चल के ना यहाँ बहुत सारे कार्डिगन्स भी थे, हर वैरायटी के, हर कलर के आपको कार्डिगन्स मिलेंगे। और यहाँ पे ये वाले स्टॉल में ना बहुत सारे स्वेटर्स थे, लॉन्ग शॉर्ट सब। और यहाँ पे स्टॉल भी था, ये भी बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे, आप ले सकते हो यहाँ आके। तो गाइस, बातों बातों में मैं आपको इसका लोकेशन बताना भूल गई। तो जो लोकेशन है वो है परेड ग्राउंड के पास, रेंजर्स ग्राउंड है वहाँ पे, ये हर संडे को लगता है। तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो कितने क्यूट स्वेटर्स है और ये ओनली 100-200 रुपीज़ में है। और खाने पीने की चीज़ें से लेके हर चीज़ मिलेगा, किचन का सामान आपको सब कुछ मिलेगा A to Z। और यहाँ वॉचेस भी बहुत अच्छी अच्छी थी। फिर यहाँ से आगे चल के हम शूज़ के कलेक्शन में आए और शूज़ का कलेक्शन तो ओ माई गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव भाई। मेरे को ना मज़ा आ गया था देख के, मेरा मन करता मैं ये भी लूँ वो भी लूँ, बट क्या करें, बजट में चलना चाहिए। वैसे मैं लेने कुछ नहीं आई थी, मैं बस एक्सप्लोर करने आई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मैं आके एक बार यहाँ पे वीडियो बनाऊँ और एक्सप्लोर करूँ। तो आप देख सकते हो शूज़ की वैरायटी, आपको हर शूज़ मिल जाएगा। बट शूज़ के लिए ना आपको जल्दी से सुबह, मतलब एटलीस्ट 9 बजे तक पहुँच जाना, क्योंकि तब तक ना सारे शूज़ छड़ जाते हैं। आप देख सकते हो एडिडास, प्यूमा, नाइकी, रिबोक सब के आपको मिलेंगे यहाँ, और वो भी ओरिजिनल। बस आपको चेक करना आना चाहिए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। और यहाँ देख सकते हो ये मतलब LVA के माइकल कॉर्स के ये शूज़ है, सॉरी माइकल कॉर्स के कि LV मुझे ये नहीं पता, आप बताना किसके हैं। और ये एडिडास का कलेक्शन था यहाँ पे, बहुत सारे ये प्यूमा के कलेक्शन थे, नाइकी के कलेक्शन थे। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये ओरिजिनल है क्या है, तो आके आप ट्राई करना। वैसे अगर आपको चेक करना आता है तो ओरिजिनल ही होगा। और यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी आपको हर वैरायटी के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्रॉकरीज मिल जाएंगे, हॉट के सब कुछ मिल जाएगा गाइस। ग्लासेस देख सकते हो कांच के, कितने सुंदर सुंदर है। और यहाँ ब्लैंकेट्स मतलब वुलन के सारे आइटम मिल जाएंगे। और आपके होम डेकोर जैसे सोफ़ा के कवर, कारपेट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, कुशन कवर, कुशन सब, वो भी काफ़ी चीप प्राइस में। यहाँ पे ना काफ़ी मतलब कारपेट्स थे जो कि बहुत सुंदर सुंदर थे। एंड गाइज, आगे जाके ये जो झूला दिख रहा है ना, ये तो बहुत ही सुंदर था। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, ये 10,000-11,000 से स्टार्टिंग है और ये यहाँ पे मात्र 4,000 में दे रहे थे। अगर आप में बारगेनिंग टैलेंट है तो आप कम करके ये झूला ले सकते हो। और झूला की भी बहुत वैरायटी था। और यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टूल्स होते हैं ना, वो भी डिजाइनर स्टूल्स थे, ये भी आप ले सकते हो। तो गाइज, मैंने ना ये झूला ऑनलाइन देखा था,
तो ये 4000 का पड़ रहा है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो किसी को लेना है तो आप आके ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ थे और बहुत ही चीप रेट में था, तो आप यहाँ आके ले सकते हो। और यहाँ जैकेट्स देख सकते हो, इतने सुंदर सुंदर वैरायटी के जैकेट्स थे। और ये तो बहुत ही ट्रेंडी है, आपने देखा ही है इसको, तो हम नेपाली में भुड़ी बुटुआ बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज मैंने अपने ना बच्चों के लिए थोड़े बहुत सामान लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े और मेरे बिल्ली के लिए घर मिल रहा था, तो मैंने ये घर लिया और काफ़ी कपड़े लिए। आगे जाके हमें ये कैप भी दिखे, और ये कैप ना बहुत ट्रेंडी है, अगर आपको पता होगा तो रील में देख सकती हो। तो तो गाइज मैं घर पहुंच चुकी थी, और घर पहुंच के ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ना ये बनाया है, मेड बाय अलीशा एंड ऑल्सो दिस। ये है अलीशा स्मोकी फ्राई राइस, इसका नाम मैंने दिया है, और दिखने में भी बहुत टेस्टी लाजवाब लग रहा होगा। साइड में मैंने ये चिकन फ्राइड किया है। गाइज मेरा खाना रेडी है, चटनी मैंने पहले ही बना दिया था, एंड कोल्ड ड्रिंक एंड दिस चिकन। मस्त यार, मिलती हूँ मैं आपको खाने के बाद। शुगु ज्यादा दिखाओ अपना कपड़ा, खुले होके दिखाओ। शुगु चल पीछे, शुगु चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, ला शुगु, या ये शुगु बाबू, बाबू के नए कपड़े दिखा दो, यह छपको इधर आ, इधर आ प्याला सा बीबी। तो गाइज उसके लिए मैंने ये घर लिया और ये छोटी सा कपड़ा लिया। एंड गाइज उसकी मम्मी पहनती नहीं है, उसको पहना दो, लिया है, पहनाया उसने, उतार दिया, तो वो नहीं पहनती। और मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब मुझे तो चक्कर ही आ गया वहाँ देख देख के, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या लेना क्या नहीं लेना। तो मैं बस ऐसे एक्सप्लोर करने गई थी, तो मुझे बस इन लोग के लिए कुछ अच्छा सा मिला, तो मैंने इनके लिए लिया। तो इसके लिए जो ये कपड़ा लिया था, ये मैंने 50 रुपीज़ का लिया, इसका ये घर 200 का है, देखो कितना क्यूट है और काफ़ी वार्म भी है। और शुगर का जो कपड़ा है वो 100 रुपये का है, तो है ना मस्त। तो आप भी जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, खास करके लिए होम डेकोर की चीज़ें बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से कपड़े वपड़े छोड़ के आप घर की सामान लेने जाना घर का, तो पर्दा से लेके ब्लैंकेट हो गए, आपका कारपेट हो गया, झूला, सोफ़ा, मतलब छोटे छोटे चेयर्स इतने क्यूट क्यूट थे ना, आप वहाँ पे जाके वो सब ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो क्या करने का लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, चिकन लव यू, बाय।